बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सानिया परवीन और आप देख रहे हैं सानिया फूड जंक्शन। तो माशाल्लाह से आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली वाले एक परफेक्ट हलीम बिरयानी का पूरा प्लेटर। साथ ही साथ इसमें हमने सिर्फ घर के मसाले यूज़ किए हैं और इसकी प्रोसेस को मैंने काफ़ी तफसील से आप लोगों को बताई है, जिससे आप लोगों को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और यह है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हलीम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मटन। तो मैंने 1 kg यहाँ पे मटन लिया है और कुछ पीसेज हमें कुछ इस तरीके से चाहिए जो हमारे घर में लोगों को पसंद नहीं आते हैं, या फिर जो भी एक्स्ट्रा पीसेज हो जाते हैं वो हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो खास करके मैंने इसे ईद के वक्त बनाया था और ईद के वक्त तो बहुत सारी एक्स्ट्रा पीसेज हो जाती हैं, या फिर घर में किसी को पसंद नहीं हो तो उन सारे पीसेज को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली बना रहे हैं तो आप इसमें कोई से भी पीसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे मटन को जो है हमें 2 भागों में अलहदा कर लेना है। एक भाग वो जिसमें हड्डियाँ हों ज़्यादा, और एक भाग वो जिसमें हमें सिर्फ गोश्त चाहिए। तो ये देखिए, हमने इसे सेपरेट कर लिया है और सबसे पहले हम यहाँ पे हड्डियों वाली पीसेस को यूज़ करेंगे। तो इन्हें हम करते हैं साइड, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे दलीन के लिए दालों को रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/4 कप लिया है मसूर दाल, 1/4 कप के जितना ही हमें यहाँ पे उड़द दाल चाहिए, 1/4 कप चना दाल, और साथ में मैंने इसको रात भर फूलने के लिए गेहूँ को रख दिया था, और इसमें से हम 1/4 कप के जितना यूज़ करेंगे, और साथ में ही 1/4 कप हमें चावल चाहिए। तो बेसिकली जितने भी हम यहाँ पे दाल को यूज़ करेंगे, चावल सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। अगर 1 कप ले रहे हैं तो सारी चीज़ों को 1-1 कप ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया था और उसी से सेम मेज़रमेंट से बाकी सारी चीज़ों को ले लिया। 5 तरह की हमारी चीज़ें हो गई, दाल, गेहूँ, चना दाल, उड़द दाल और मसूर दाल। तो इन्हें हम अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे, और साथ ही साथ हम अपने मटन के पीसेस को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये मैं तीसरे पानी से इसको धो रही हूँ। अब यहाँ हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर, जिसके अंदर हम अपनी हड्डियों वाली पीसेस को डाल देंगे। इसके साथ ही हम 1 बड़े खाने का चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, साबुत सौंफ डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और इसी के साथ 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा के दाने। 4 हरी मिर्च को मैं बीच से कट करके डाल दे रही हूँ। साथ ही 2 स्मॉल साइज़ के हमें प्याज चाहिए होंगे, मोटे मोटे स्लाइसेस में कट करके इसके अंदर हम डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे हम नमक डालेंगे, या फिर हस्ब जायका लें 1 ही खाने का चम्मच हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। और इसके अंदर हमें 1.5 लीटर पानी डाल देना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मटन का जो है स्टॉक चाहिए होगा, तो जितना आप बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग 1.5 लीटर 2 लीटर ऐसे आप इसके अंदर पानी डालिए। जितना आपको चावलों को कुक करने के लिए पानी चाहिए होगा उतना ही हम यहाँ पानी लेंगे, क्योंकि आगे प्रोसेस में हम चावलों को इन्हीं स्टॉक में कुक करेंगे। तो यहाँ सीटी लगवाएंगे हम 3 से 4 सीटी, या फिर मटन जितना में आपका अच्छे से गल जाए उतना हमें सीटी लगवाना है। जस्ट मीडियम फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे। और साथ में अब दूसरे एक कुकर के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़े खाने का चम्मच सरसों की तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर हम डालेंगे 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग। हल्का सा इसे चटकने देंगे और इसके अंदर 1/3 कप डालेंगे बरिस्ता, यानी कि फ्राइड अनियन। और मैं जब भी ऐसे ओकेजन ईद वगैरह होती हैं तो मैं पहले ही फ्राई करके रख देती हूँ प्याज को, ताकि उस वक्त बनाने में आसानी हो। आप जस्ट इस वक्त भी डाल सकते हैं प्याज को और फ्राई करके बाकी की प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे जो हमारे गोश्त वाले पीसेस थे उसे हम इसमें डाल देंगे, और इन्हें हमें 2-3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे तलना है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच नमक, या फिर आप हस्ब जायका लें, 1.5 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे 2 तरह की थॉट है। एक तो ये कि बहुत सारे लोग दलीम को दाल की तरह पीला खाना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग मेरी तरह यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डालकर उसे लाल बना देते हैं। तो यहाँ पे एज पर योर चॉइस कि आप किस तरीके का दलीम खाना पसंद करते हैं, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च को टोटली स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डाले हैं इसमें जीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन्हें अच्छे से हमें भून लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी और इन्हें प्रॉपर अच्छे से भूनूंगी। तो ढक्कन लगा देंगे और इन्हें भुनने देंगे लो फ्लेम पे।
तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे, और यहाँ पे देखें ये हमारे मटन में से बहुत सारे रोगन निकल आए हैं, तो इन्हें हमें एक अलग कटोरी में हमें सेपरेट कर लेना है, इन्हें हम आगे प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं। तो जितना भी ऊपर तेल यानी कि रोगन आ रहा है उन्हें हमें हटा लेना है। और ये देखें तकरीबन 1/4 कप के जितना थोड़ा सा कम इसमें निकल गया है। अब हमें मटन को अच्छे से चला लेना है। और इसके अंदर हमने जो अभी दालों को रेडी करके रखा था, अच्छे से वॉश कर लिया था, उसे डाल देना है। और इन्हें 2 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। अब इसके अंदर हमें तकरीबन 1 लीटर के जितना पानी डालना है। और अच्छे से चला देना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और नमक डाल रहे हैं। पहले चख लीजिएगा, अगर कम या ज़्यादा हो तो आप इसी वक्त इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब इसको हम प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 सीटी के लिए, जब तक कि हमारा जो दालों का मिक्सचर है वो अच्छे से गल जाए, मटन जो हमारा है वो अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ हमने जो यहाँ पे हड्डी वाले मटन की पीसेस को यहाँ पे स्टॉक बनाने के लिए रखा था, तो मटन भी हमारे अच्छे से गल गई है और स्टॉक भी हमारा रेडी है। अब इसमें से हम बारी बारी से मटन के पीसेस को निकाल लेंगे। ये देखिए तमाम पीसेस को मैंने निकाल लिया है। अब इन्हें हम करेंगे साइड। अब एक डीप कढ़ाई के अंदर हमें तकरीबन 3 से 4 खाने का चम्मच डालना है रिफाइंड घी ऑयल, साथ ही एक तेज पत्ता, एक तेज पात, एक बड़ी इलायची, एक बड़ी खाने का चम्मच काली मिर्च के दाने, 1/2 टीस्पून शाह जीरा, 2 हरी वाली इलायची, और यहाँ 3 हरी मिर्च को मैंने बीच से कट करके डाल दिया है, 1/2 कप के जितना मैं डाल रही हूँ इसमें चॉप्ड अनियन, फाइनली मैंने ऑमलेट कट कट कर लिया है, और इन्हें हमें हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, जस्ट ट्रांसलूसेंट होने तक। अब इसके अंदर हम जो हमने मटन कुक करके रखा था उन्हें हम इसके अंदर डालकर अच्छे से तल लेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे 1 बड़ी खाने का चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इन्हीं के साथ हमें इसे तल लेना है। तकरीबन 4-5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मैंने इसे तल लिया है। अब इसी के साथ 1/2 कप इसमें अंदर हम डाल देंगे दही। दही से एक ये भी फ़ायदे होते हैं कि आपके चावल जो हैं वो काफ़ी वाइट वाइट और खिले खिले बनेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मटन का स्टॉक रखा था उसे हमें छान कर इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास इतनी बड़ी छन्नी ना हो तो आप जस्ट मसलिन क्लॉथ के अंदर इसको डालकर स्ट्रेन कर लीजिए, और इन्हें हम रिमूव कर देंगे, बाकी की चीज़ों में हम इनको यूज़ कर सकते हैं सालन बनाने में। अब यहाँ पे हमारा जो मटन का स्टॉक है इनके अंदर डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इनके अंदर हम डाल देंगे चावल, जितने भी आपको चावल बनाने हो, बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 कप लिया है बासमती चावल, जस्ट मैंने इसको वॉश करके इसके अंदर डाल दिया, और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और चावल के जस्ट 1 लेवल ऊपर यहाँ पे हमारा पानी है, 1 इंच ऊपर हमें पानी रखना है कुछ इस तरीके से, ये दिया। फिर आप कुछ इस तरीके से मेजरमेंट करें कि अगर 3 कप आपके चावल हो तो उसके दुगना आप पानी डालिए, लेकिन अगर आप इसको सोख होने के लिए चावलों को रख रहे हैं तो जस्ट चावल के 1.5 गुना पानी डालना है। अब इसे हम ढक के 1 उबाल आने का वेट करेंगे जस्ट हाई फ्लेम। जैसे ही 1 उबाल आया मैंने फ्लेम को लो किया, और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने चावलों को कुक किया, और ये मैं 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर देख रही हूँ। चावल हमारे जो हैं 70% कुक हो चुके हैं, तो आपने साइडों को इस तरीके से एक पास कर लेना है ताकि हमारे किनारे के चावल जो हैं वो अच्छे से कुक हो सकें। तो जस्ट 1 कसर रह गई है, ये देखें। अब इस वक्त हम इसको ढक के 5 मिनट दम दे देंगे, और फ्लेम को हमने हाफ में ही बंद कर दिया था। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारे चावल अच्छे से डन हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैंने सैफ्रॉन कलर डाल दिया है, साथ में थोड़े से 1-2 बूंद केवरा वाटर डाल दिए हैं, और साथ में ही बरिस्ता डाल दिया। अब इन्हें ढक देंगे हम, और
जस्ट सर्व करने से 5 मिनट पहले आप इसको निकालिए और राइट अवे सर्व कीजिए गर्मा गर्म। तो ये रेडी हो गया हमारा हलीम बिरयानी का पुलाव। 5 मिनट के बाद आप इसको चलाइएगा, उससे पहले नहीं चलाइएगा वरना आपकी जो ये जर्दे का कलर है वो इधर उधर फैल जाएगा। अब ये बिल्कुल डन है। अब दूसरी तरफ हम अपने दलीम को भी देख लेते हैं जो कि मैंने इसमें 8 से 10 सीटी लगवा ली हैं। और यहाँ पे हमारा दलीम का जो दाल है वो अच्छे से गल चुका है, साथ ही साथ हमने जो मटन डाले थे इसमें वो अच्छे से गल चुका है। दलीम में ये सबसे ख़ास बात होती है कि आपका मटन जो है वो बिल्कुल सूप की फॉर्म में आ जाना चाहिए। कुछ कुछ चंक्स जो है मटन के वो पीसेज आ सकते हैं पर बिल्कुल दाल जैसी हो जानी चाहिए। अब जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रोगन निकाल कर रखे थे वो रोगन भी इस वक्त हमें डाल देना है जस्ट सर्व करने के पहले, और इसे हम राइट अवे सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा रोगन में से भी डाल देंगे क्योंकि जब इसको हम इतनी सारी सीटी लगवाएंगे ना तो उसका जो ऑयल है वो बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा निकाल कर रख देना है ताकि आप इसको एज ऊपर से थोड़ा सा सर्व कर दीजिए। थोड़ा सा मैंने बरिस्ता डाल दिया है और यहाँ पर हमारा जो हलीम का पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बेसिकली जब भी हम हलीम बिरयानी की बात करते हैं तो उसके अंदर हम हलीम का पुलाव बनाते हैं, दलीम बनाते हैं, सैलड होता है, थोड़ा सा रायता होता है, इन सबको मिलाकर बनता है हलीम बिरयानी। कभी भी आप एक चीज़ को ऐसे सर्व नहीं कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए आज का हमारा हलीम बिरयानी का रेसिपी जो है वो बिल्कुल डन है, आप इसको राइट अवे सर्व कर सकते हैं। तो अगर से ये पूरा प्लेटर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईद में आप और कौन सी नई रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें, और तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।